हागेतरी कमिटी का रिपोर्ट तो सबमिट हुआ है ना हुआ, हमको तो अभी तक ऑफिशियली हम लोग को मिला नहीं है। बट देन जहाँ तक हम लोग मालूम हुआ है, टेंड ऑफ दिस मंथ 10 तारीख को हमारा डीसी पासीघाट को इंटीमेशन ये कॉपी दिया हुआ है। बट देन उन्होंने ये कॉपी को हम लोग का किसी और को भी जानने नहीं दिया है, और उन्होंने इसके बारे में हम लोग को डिस्कस भी नहीं हुआ है। और इसके बारे में अगर वो डिस्कस होता तो हम लोग आज बोन कॉल नहीं भी होना था। और हमारा एवीके यू डूइंग और आदि इश्यू का और एनटीआर हमारा आदि का यही एक सेंटीमेंट है कि उनको रिपोर्ट सबमिट किया है बोल के उनको कॉपी भी दिया हुआ है, देने का बजट भी उन्होंने इग्नोर किया है। और यह हम लोग को बोन कॉल ही करना, यहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना ही बोल के कुछ इंटेंशन है। ऐसे डीसी वो ऐसा नहीं करना चाहता। पासीघाट का डीसी इस तरीके से अगर करेगा तो हमारा आने वाला दिन में भी तो ये बहुत खराब होगा। कारण ये दुख का बात है, एक डिप्टी कमिश्नर होके इस तरीके से वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ रिपोर्ट सबमिट हुआ नहीं हुआ वो डिटेल हम लोग को बताना चाहिए था। क्योंकि ये हम लोग 7 तारीख को हम लोग इंटीमेशन लेटर दिया है 19 को बोन कॉल करेगा बोल के, फिर उसके बाद उनको 10 तारीख ये कॉपी है, ये कॉपी को उनको मिला हुआ है, तो इनको मिलने का बजट भी उन्होंने डिस्कस नहीं किया। उसका मतलब है कि वो आदि का सेंटीमेंट को नहीं समझता है और ये डिमांड को वो इम्पोर्टेंस नहीं समझता है। बट देन वो हमारा आदि एरिया में, हमारा पासीघाट में वो डीसी बैठ के, ये अफेक्टेड एरिया में वो डीसी बैठ के इस तरीके से ऐसा जेन्युइन डिमांड को वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा इग्नोर करना है तो आने वाला दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपने आप को खुद सोचना पड़ेगा और सोच लेना चाहिए। बोन कॉल आज तो कर रहा है तो इसके बाद गवर्नमेंट और या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ डिसीजन नहीं देगा तो आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कैसे होगा ये हमारा कुछ दिन के बाद बहुत जल्द ही हम लोग इसका अनाउंसमेंट होगा। और ये हम लोग का सेकेंड फेज है, थर्ड फेज कैसा होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, ये हम लोग विद इन नो टाइम हम लोग डिसीजन लेगा, उसके बाद हम लोग अनाउंस कर देंगे। Mm-hmm.